हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देविन बावरवा। आज मैं आपको बताऊंगा निम्ब कल्क के बारे में, उसको कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कसाई कल्पना, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम एंड फान, इनको हम पंचविध कसाई कल्पना कहते हैं और कल्क उनमें से एक है। डेफिनेशन ऑफ कल्क, द सॉफ्ट मास ऑफ द ड्रग prepared by pounding the drug in a clean khalva yantra is called as kalk। यानी कि स्वच्छ खलवा यंत्र में ड्रग को पीस कर उसका पेस्ट बनाया जाता है और उसको हम कल्क कहेंगे। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोथ वेट एंड ड्राई ड्रग्स, यानी कि वेट एंड ड्राई ड्रग्स दोनों का इस्तेमाल करके हम कल्क बना सकते हैं। श्लोका ऑफ निम्ब कल्क, लेपा निम्ब दले कल्को व्रण शोधन रोपण, यानी कि नीम के पत्तों को पीसकर बनाए हुए कल्क को लगाने से वह व्रण शोधन और व्रण रोपण करता है। भक्षणा छर्दी कुष्ठानी पित्त श्लेष्म कृमिचे, यानी कि वह कल्क को खाने से छर्दी कुष्ठ पित्त और श्लेष्म कृमि को हम मिटा सकते हैं। आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड निम्ब पत्र आर वॉश एंड वाइप विथ अ क्लीन ड्राई क्लॉथ, यानी कि आवश्यक मात्रा में एकत्र किए गए ताजे निम्ब के पत्र को धोकर सूखे कपड़ों से उसको साफ कर लेना है। दिस वाइप्ड ड्रग इज पाउंडेड इन अ क्लीन खलव यंत्र टू फाइन पेस्ट फॉर्म, यानी कि इन साफ किए गए पत्तों को खलवा यंत्र में लेकर उसको पीसकर पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट के छोटे छोटे गोले बनाकर रख देना है और इस तरह निम्ब कल्क बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में निम्ब कल्क। तो अब देखेंगे डोसेज, एडजुवेंट एंड इंडिकेशन। वन कर्स ऑफ निम्ब कल्क इज एडमिनिस्टरेड अलोंग विथ सूटेबल एडजुवेंट इन सूटेबल रेशियो, एक कर्स यानी कि 12 ग्राम, इसको हम उचित सहायक गुड़ शर्करा और मधु के साथ दे सकते हैं। इट्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंड बेनिफिशियल इन केस ऑफ छर्दी कुष्ठ पित्तज एंड श्लेष्म कृमि, इसका आंतरिक प्रशासन छर्दी यानी कि उल्टी, कुष्ठ यानी कि त्वचा रोग और पित्त और श्लेष्म कृमि के मामले में फायदेमंद है। इट्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन हेल्प्स इन कीपिंग द वाउंड क्लीन एंड हास्टेंस द वाउंड हीलिंग प्रोसेस, यानी कि इसका बाहरी प्रयोग घाव को साफ रखने में और घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने में होता है। तो इस प्रकार निम्ब कल्क को कैसे बनाना है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ करना है वो हमने देखा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।